हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोमिंग पिजन्स। और आज मैं बहुत टाइम बाद किसी वीकेंड पे यू नो बाहर घूमने आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं हूँ मैक्लोडगंज के एक जंगल में, आप कह सकते हो, बस जंगल नहीं है ये भी, एक वन ऑफ द प्लेस है मैक्लोडगंज में घूमने के लिए। मैक्लोडगंज अगर आपको नहीं पता है तो आप मतलब बोल सकते हो कि ये अपर धर्मशाला में पड़ता है, जो कि 10-11 किलोमीटर है वहाँ से। तो मैं आपको घुमाऊँगी मैक्लोडगंज में, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, कहाँ कहाँ मज़े कर सकते हो। और तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहाड़ों पे आके लोग मैगी खाते हैं और व्यू लेते हैं, हम एवरीडे का पाउडर मिल्क खा रहे हैं और व्यू ले रहे हैं। तो यार हम आए थे मंदिर घूमने और पुनीत को काट लिया कुत्ते ने। कुछ भी, ये न्यू चैनल वाला काम कर रही है। धर्मशाला के लिए अगर आपको डायरेक्ट बस ना मिले तो कांगड़ा से आप बस चेंज भी कर सकते हैं, जो कि ऑन द वे टू धर्मशाला में मेन स्टॉप आता है। तो अब हम धर्मशाला के मेन बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और यहां से मैक्लो के लिए हमें बस चेंज करनी पड़ेगी। जो आप ब्लू बस देख रहे हैं इसी बस में हम जाएंगे। धर्मशाला से मैक्लो का रास्ता लगभग 10 किलोमीटर का है और अप्रॉक्सीमेटली आपको हाफ एन आवर लगेगा। और ये आधा घंटा कब 10 मिनट में आप बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि धर्मशाला से मैक्लो का रास्ता बहुत ही सुंदर है और अगर बारिश हो जाए तब तो और भी हसीन बन जाता है। पर कभी कभी बारिश अच्छी नहीं लगती है यार। जैसे ही हम मैक्लोडगंज पहुँचे इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई और हमें एक कैफ़े में बैठ के बारिश का रुकने का इंतज़ार करना पड़ा। बट यहाँ बैठ के भी नज़ारे कुछ कम नहीं थे। चुके हैं और मैं दिखाती हूँ आपको रूम, जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है। तो भाई चलते हैं अंदर। तो दरवाजा खुलता है, ये भाई साहब मतलब रूम ढूंढना भी ना एक टास्क होता है जब आप घूमने आए होते हो। और ये है हमारा रूम, यहाँ पे ये वॉशरूम है। एक दिन के लिए वैसे हम रुके हैं यहाँ पे, पर अगर आप रुकना चाहो तो 3-4 दिन के लिए भी रुक सकते हो यार। इतना बड़ा मिरर, वाह क्या मस्त लग रही हूँ मैं। और बाहर कौन बैठा है यार, ये बाहर, वाह क्या नज़ारे हैं। ओ माय गॉड, भाई क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, हसीन बागियों का मजा ले रहे हो। तो भाई नोट पैड और पेन पकड़ो, लिखो कुछ राइटर साहब। आजकल के राइटर साहब लैपटॉप पे, लैपटॉप किधर है आपका, एक दो लाइनें लिखो। इतनी अच्छी इतनी हसीन वादियाँ, ऊपर से इतनी सुंदर बीवी सामने खड़ी है, क्या जरूरत है यहाँ बैठने की। अंदर चलो। ओके तो अब हम थोड़ा यहाँ पे इंजॉय करेंगे बैठ के। बारिश थोड़ी थोड़ी लगी हुई है यहाँ पे, अभी तो बहुत बारिश थी यार। तुम धूप देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखना, घूमना है कि नहीं यहीं बैठे रहना है। इतना अच्छा रूम, ये रूम का मजा, रूम तो अच्छा है यार, नो डाउट रूम अच्छा है। यहाँ से बालकनी, अभी मैं बाहर नहीं जा रही हूँ वैसे, बहुत वो है। बट ओ माय गॉड, सुबह तो यहाँ पे मजा ही आ जाएगा यार। तो इस रूम का जो प्राइस है ना वो है 1500 विद टैक्स। और ये जो मैं बताती हूँ, ये जो रूम है ये हमने कोई आउटसाइड या मतलब ऑफ लोकेशन नहीं है, ये मतलब प्रॉपर मैक्लोडगंज का जो एरिया है ना मार्केट, उसके पास है। और मैं आपको बताती हूँ यहाँ से, ये अगर आप नीचे देख रहे हो ना, ये सारी जो लेन है, अभी तो बारिश है थोड़ा सामान अंदर कर दिया लोगों ने, लेकिन ये पूरा मैक्लोडगंज वाला मार्केट है यहाँ पे। और क्या नज़ारे हैं यार। तो चलो 2 मिनट में तैयार होते हैं। तो हम बाहर जाने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी शाम के ना सिर्फ 5 बज रहा है। और आप यहाँ का मौसम देखो, ऐसे लग रहा है बारिश होने वाली है। बस यहाँ का पूरा दिन मौसम यही रहता है, कभी बारिश होती है कभी धूप होती है। तो इससे पहले बारिश फिर से हो जाए और रात हो जाए, तो इससे हमने सोचा कि थोड़ा सा मैक्लो को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो। If I was smart, I'd find you a star.
could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do. मतलब मैक्लोडगंज आए हो और मोमोज नहीं खाए तो फिर क्या खाए यार, ये वही हिसाब हो गया. मतलब जब हम दार्जिलिंग गए थे तो हमने यही कहा था कि दार्जिलिंग गए मोमोज नहीं खाए, बट बहुत टाइम बाद मैं मोमोज खा रही हूँ और बहुत ही टेस्टी है यार. मतलब इसकी स्टफिंग इतनी अच्छी है ना, चटनी की भी जरूरत नहीं पड़ रही यार मेरे को. तो अब हम भागसुनाग फॉल की तरफ जा रहे हैं और उसी के रास्ते में है, बट वहाँ की यार फॉल तो छोड़ो, रास्ता इतना सुंदर लग रहा है. पेड़ और धुंध पड़ी हुई है क्योंकि दिन में बारिश हुई थी और बहुत ही सुंदर रास्ता है यार वहाँ का. वैसे आप भागसुनाग वाटरफॉल की और टैक्सी लेके भी जा सकते हो, ऑटोज भी चलते हैं, बाइक भी रेंट कर सकते हो, बट आई थिंक इतना भी दूर नहीं है. जो मेन स्क्वायर है वहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो आई थिंक पैदल जाने का ज़्यादा मज़ा है इस रास्ते में बेसिकली. लेकिन जिस तरह का मौसम अभी आपको दिख रहा होगा ना, उस हिसाब से ठंड नहीं है क्योंकि ये सर्दियों वाली फॉग नहीं है. ये पहाड़ों पे जब आप हाइट पे चले जाते हो ना, तो जो बादल है ना वो नीचे आ जाता है, तो ये बेसिकली क्लाउड्स हैं. आप मेरे पीछे देख रहे हो ये यही है भागसुनाग टेम्पल, और जो वाटरफॉल है वो इसके आगे है. बट अभी आपको कोई भी नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा क्योंकि जिस मंथ में हम आए हैं अगस्त में, तो बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन, तो यहाँ पे कोई भी आपको टूरिस्ट बहुत कम मिलेंगे. और बेसिकली अभी अंधेरा भी होने वाला है, धुंध है, तो अभी आपको कोई लोग नहीं दिखेंगे, हम ही दिख रहे हैं. तो ऐसा नहीं है यहाँ पे टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं बट बहुत कम आ रहे हैं. तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ये है बेसिकली ये पूल है, जो वहाँ से पानी आता है ना वो यहाँ पे आता है पूरा पानी, और यहाँ पे पूरे के पूरे लोग भरे होते हैं भाई, स्विमिंग कर रहे होते हैं. पूल है, प्रॉपर पूल है भाई, बड़ा ये छोटा पूल नहीं है, बड़े लोगों के लिए भी बहुत बड़ा पूल है यार ये तो. ये वैसे बंद है या अभी टाइम है इसका क्लोज हो गया? ये मानसून के मानसून. अच्छा, दिन में भी बंद है? मानसून के टाइम बंद है. कब से खुल जाएगा? लगभग 15-20 दिन बाद. तो अभी हम वाटरफॉल के लिए जा रहे थे, लेकिन आप ये रास्ता देखो, ये रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि मानसून में यहाँ पे सारे जो पत्थर गिर जाते हैं ना, तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है. और आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं वही वाटरफॉल है, बट हमारा बैड लक है. मतलब बैड लक तो क्या ही बोलेंगे, क्योंकि मॉनसून है, मुझे पता था ये हो सकता है, बट मैंने सोचा ठीक है यार एक्सप्लोर कर लेते हैं, मज़ा आएगा. तो यहाँ से जो रास्ता जाता है वो पूरा लगभग 1 किलोमीटर है यहाँ से पूरा ये रास्ता, और इसको फॉलो करते हुए वो पाथ बना हुआ है. तो वो जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये वाटरफॉल है. बैठे हैं सैंडिस कैफे में, मस्त एम्बियंस है क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा वाटरफॉल दिख रहा है. बताती हूँ आपको, ये देखो जो ये वाटरफॉल है, ये पूरा वाटरफॉल है. कि अभी तो वैसे फॉग है तो प्रॉपर दिख नहीं रहा है, बट हमने अभी पिज्ज़ा ऑर्डर किया है. तो आज घूमने में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन मज़े के साथ हम थक भी बहुत गए हैं. रात भी हो गई है, अब हम सोने वाले हैं और डे 2 शुरू होगा बहुत ही हसीन सुबह के साथ.
If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do. I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful. Yeah, it's only a dream. चाय नाश्ता करने के बाद अब हम घूमने निकले हैं मैक्लोडगंज की फेमस टूरिस्ट प्लेस की ओर। तो अभी हम एकदम दलाई लामा टेम्पल के बाहर हैं, बट हमने पूछा तो 1.5 साल लगभग 1 साल से कोरोना की वजह से मंदिर बंद है यार। नाच अच्छी हो गया क्या? हमको लगा यार ये तो फनी हो गया। मतलब तो यार हम आए थे मंदिर घूमने और पुनीत को काट लिया कुत्ते ने। कुछ भी, ये न्यू चैनल वाला काम कर रही है, छुआ है और काट लिया। नहीं, सिर्फ नाक टच किया, बट डरे ऐसे जैसे कि काट लिया हो, कुछ नहीं हुआ है। तो अब हम सोच रहे हैं कि कहीं और जाएं यार, वैसे तो धूप है बट थोड़ी थोड़ी बारिश भी है। कहाँ जाएंगे यार? यहाँ पे डल लेक है, तो चर्च है और डल लेक। हम पहले चर्च को एक्सप्लोर करेंगे और चलते हैं। तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं मैक्लोडगंज में घूम रही हूँ और यहाँ के नज़ारे भाई दिखाओ जरा। तो फाइनली चलते चलते हमें अपना चर्च मिल चुका है, मतलब कि सेंट जोसेफ विल्डरनेस चर्च। तो अंदर चल के देखते हैं कि कोई हमारा इंतजार तो नहीं कर रहा है वहां बैठ के। तो ये चर्च का रास्ता है और वो चर्च दिख रहा है और यहाँ इतनी ज्यादा फॉग है ना, मुझे वो वाली फील आ रही है। वैसे मैंने लिटरली मूवी देखी नहीं है राज, पर अगर आप लोगों ने, छी यार कैसे लोग हैं क्या जो राज मूवी नहीं देखे हैं यार? राज वन, बिपाशा बासु, मतलब बीच बीच में देखे, पूरी क्या नहीं देखी है यार। तो मेरे को वो वाली फील आ रही है, वो जो अंधेरे अंधेरी रात वाला सीन होता, तो पूरी फॉगोट पेड़ पेड़ होते हैं लंबे, वो वाली फील आ रही है। तो अंदर चल के देखते हैं, मैं भी पहली बार विजिट कर रही हूँ, मेरे लिए भी नया है ये। तो लोकेशन तो बहुत ही सुंदर है, वाओ यार अल्टीमेट। Ready to go out, but then I thought, man, what's the point? The arrows feel blight, tears are running fast, so apathy is all I've got. तो जितना अभी तक हमने मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर किया है, हम रेनी सीजन में आए हैं और सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे हमें अंदर आने दिया, हम इसको एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि कल हम गए थे भागसुनाग मंदिर और उसके आगे है वाटरफॉल। टेम्पल तो हम गए, वहाँ पे भी बहुत कम लोग थे, लेकिन फॉल जो तो बंद था क्योंकि रास्ता वहाँ का बहुत टूटा फूटा हुआ था, तो हमें जाने के लिए मना कर दिया। आज सुबह हम गए थे दलाई लामा टेम्पल, वो भी बंद है कोरोना के। हम बहुत सारी मतलब उम्मीदें लेके गए थे यार, हम शुरुआत जो है वो दलाई लामा टेम्पल से करेंगे, बट वो भी बंद था। और उसके बाद हम 1 किलोमीटर का ट्रैक नहीं बोलोगे, वॉकिंग डिस्टेंस है, कवर करके आए। और यहाँ पे बहुत मज़ा आया यार, सही में बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत। अब हमने चर्च को एक्सप्लोर कर लिया है और बहुत ही सुंदर जगह है यार, यहाँ पे बैठो आप, मज़े करो, पिक्चर्स क्लिक करो, फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड के साथ आओ, बहुत अच्छी जगह है। और अब हम जाएंगे डल लेक, जो कि यहाँ से है अराउंड 2 या 2.5 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर है। हमने वैसे नड्डी जाने का भी सोचा है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो
यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यार कवर होंगी नहीं, तो जितनी कवर हो रही हैं उसी में मज़ा करो। और वैसे भी लाइफ में हम सब कुछ कवर कर नहीं सकते, तो जहाँ हो वहीं का मज़ा लेते हैं पहले। कभी कभी लंबे रास्ते भी छोटे लगते हैं अगर आपका साथ अच्छा हो। फिर दिमाग में आता है कि काश रास्ता लंबा ही होता, ताकि हमें और वक्त मिल पाता साथ बिताने का। ये है व्लॉगिंग करने की स्ट्रगल, हर जगह कैमरा रख रख के हमें वीडियो बनानी पड़ती है, बट मजा आता है यार। इसी मेहनत पे लाइक तो जरूर बनता है यार, दो दो लाइक्स। तो अभी हम जा रहे हैं डल लेक। वैसे तो डल लेक जो है चर्च से 3 किलोमीटर के आसपास है, बट बीच रास्ते में आप एक बार पूछ लेना कि डल लेक का रास्ता कहाँ है, क्योंकि जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये स्टेयर्स है, तो ये शॉर्टकट है बेसिकली। जो मेन रोड है ना वो नीचे से घूम के जो, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है यार, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी यार, बहुत सांस फूल रही है। तो अगर आप पैदल आए तो आप ये रूट ले सकते, सीढ़ियों वाला, ये वाला रूट थोड़ा सा आपको लगेगा लेकिन जल्दी पहुंच जाओगे, वैसे इतना भी ज़्यादा नहीं है। हमें अभी घूमने की आदत छूट चुकी है, पहले छोटी मोटी ट्रैक्स भी कर लेते थे। पुनीत ने तो केदारकंठा ट्रैक भी किया। पुनीत कैसे किया था केदारकंठा ट्रैक यार तुमने, मेरे को समझ नहीं आ रही, हैट्स ऑफ है यार। यहाँ पे तो फिर भी हम नॉर्मल चल रहे हैं यार, वहाँ पे प्रॉपर इतनी बर्फ़ पे पैर धस जाता है। और भाई बट यू शुड वॉच दैट सीरीज केदारकंठा, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है रोमिंग पिजन्स पे, जाके देखो और इन्जॉय करो। पुनीत तो भाई प्रॉपर ट्रैकिंग वाले मूड में है, चल ही जा रहे हैं यार, थोड़ा रहम कर लो यार, थोड़ा सा रुक जाओ। हिमाचल से क्यों हो और रहम हम करें तुम पे यार, ऐसे मत बोलो। पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब इतना भी थकने वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप चलते चलते बोलते हो ना चढ़ाइयों पे तो ज़्यादा थक जाते हो, तो ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। तो हम मेन रोड पे आ गए हैं और यहाँ से ये ड्राई पॉइंट है। मुझे को यार पता नहीं कौन सा रास्ता जाता है, लेकिन जो मुझे डायरेक्शंस पता चल रही हैं, जो ऊपर को रास्ता जाता है ये जाता है दलाई लामा मंदिर और भागसुनाग मंदिर जो है यहाँ को जाता है। हम जा रहे हैं अभी डल लेक, और यही डल लेक का रास्ता है और यही नड्डी का रास्ता है। ये देखना, ये देखना इसको, मतलब इस जिस उम्र में कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए या फिर समझ गए ना, तो ये बंदा ये दूध पी रहा है, मतलब दूध पी भी रहा है, दूध खा रहा है भाई। नॉस्टैल्जिया, आपने खाया कि नहीं मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन बचपन में मैं किचन से ये दूध चुरा के खाता था। दिखाना जरा, ऐसे लो हाथ में। ओह माय गॉड भाई, ये हरकतें पब्लिक में मत करो यार, लग रहा है मतलब पता नहीं क्या चाट रहे हो, इधर दो। ओह माय गॉड नॉस्टैल्जिया भाई, नॉस्टैल्जिया, इतना टेस्टी होता है यार ये, मतलब पाउडर मिल्क अगर किसी ने नहीं खाया है वो तो कमेंट करो ही। अब मेरे को मन कर रहा है इसको खाने का, तो प्लीज़ दे दो थोड़ा सा, थोड़ा सा दे दो यार। ओह माय गॉड, पहाड़ों पे आके लोग मैगी खाते हैं और व्यू लेते हैं, हम एवरीडे का पाउडर मिल्क खा रहे हैं और व्यू ले रहे हैं। तो 2.5-3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं डल लेक, और क्या सुंदर लेक है यार ये, मतलब आसपास का नज़ारा, आसपास जंगल और रास्ता बना हुआ है, और ये है लेक। लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि पूरी की पूरी फॉग है इस टाइम, बट बहुत सुंदर है यार ये लेक। जो यहाँ पे पाइन ट्रीज है ना, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, मस्त फोटोज़ आ रही है, मस्त वीडियोस भी बन सकती है, मैं तो वीडियो बना ही रही हूँ, तो आप वीडियो को देखो और मज़े करो। और यहाँ पे मतलब प्रॉपर वो स्विट्जरलैंड वाली फील आती कि ग्रीनरी है और गाय घास चर रही है, वैसे एक घोड़ा ये घास चर रहा है और एक घोड़े ने घोड़े घोड़े की फोटो ले रहा है। बेफिकर है दिल में बसे
कुछ कहना चाहेंगी आप? यार कहने को तो बहुत कुछ है वैसे, बट मैं यही बोलूंगी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, और 5 दिन पूरा काम करके 2 दिन मिलते हैं, और 2 दिन में आप जिंदगी के मज़े ले सकते हो। बट देखते हैं कैसा आगे का सफ़र रहता है हमारा। सफ़र तो अच्छा रहेगा यार अगर तुम मेरे साथ हो। मन में छुपे कैसी ये धुन है, हर ख्वाहिश उलझी के धर है। इस सुंदर डल लेक के नज़ारे के बाद यार अब हम निकल रहे हैं नड्डी की ओर। यहाँ से नड्डी लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो हम वॉक करके ही जाएंगे। हम यहाँ पे भी वॉक करके आए थे, कोई टैक्सी कोई बस नहीं किया है, और मतलब पीछे का व्यू देखो यार, इतना सुंदर है। जितनी ऊपर आप जाते जा रहे हो ना, उतना ही ऑक्सीजन प्योर होता जा रहा है और उतना ही व्यू सुंदर होता जा रहा है। पैरों से जख्मी जमी है, नजरें भी ठहरी हुई है, लगभग हमने नड्डी का रास्ता तय कर लिया है। ये नड्डी व्यू पॉइंट किधर है? ये बस मतलब थोड़ा सा ही रहा है ना अभी, ये 20-30 मीटर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। नड्डी के रास्तों में ही ऐसा व्यू है, तो नड्डी व्यू पॉइंट से क्या व्यू होगा यार। जब मेकलो पहुंचे थे तब भी बारिश थी, अभी नड्डी पहुंचे तब भी बारिश शुरू हो गई है। जैसे ही हम नड्डी पहुंचे हमने कहा ठीक है यार नड्डी व्यू पॉइंट जाके व्यू का मज़ा लेंगे, और जैसे ही पहुंचे ना बारिश बहुत बहुत बारिश शुरू हो गई है। तो पहले तो हमने 5 मिनट पीछे रुक के हमने सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं, बट हमने कहा यार वेट करने का टाइम भी नहीं है, आगे चल के तो देखते हैं कि कैसा व्यू पॉइंट है। ओह माय गॉड, ये आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यार ये रिपोर्टर वाला खाना मेरे से होता नहीं है, थोड़ा चिल होके आराम से बोलते हैं। तो अब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से पूरा व्यू पॉइंट दिख रहा है नड्डी का, और मुझे छोटे छोटे घर भी दिख रहे हैं यार। तो लेट्स रिवॉल्व द कैमरा एंड शो व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम हियर। ओ माय गॉड, जब पलों में मजा आने ही लगता है तो वक्त नहीं रहता है, और जब वक्त रहता है तो हम ना जाने ऐसे ही वक्त गवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आपको पता है तो लाइक करो इस वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जिस तरह नड्डी पहुंच के हमें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, उसी तरह ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आई होप आपको इन पहाड़ों के पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे, और इन हसीन वादियों को देखते देखते हमें आई थिंक वीडियो यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जिस तरह की नेचर है, सब नेचर से प्यार करते हैं, तो थोड़ा प्यार हमें भी कर लो भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो 5 मिनट यहाँ पे बैठ के या खड़े होके इंजॉय करती हूँ मैं, और उसके बाद हम अपने घर की ओर रवाना होते हैं। ग्रेट सक्सेस।